उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल ध्वनि मत से पास हो गया है। इसी के साथ यूसीसी बिल पास करने वाला उत्तराखंड आजाद भारत का पहला राज्य बन गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 6 फरवरी को विधानसभा में ये बिल पेश किया था। बिल पास होने के बाद अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मुहर लगते ही ये बिल कानून बन जाएगा और सभी को समान अधिकार मिलेंगे। भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में यूसीसी लाने का वादा किया था। बिल पास होते ही कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह दिखा। 2 दिन लंबी चर्चा, बहस और तर्कों के बाद बुधवार की शाम सदन में विधेयक ध्वनिमत से पास हुआ। विपक्ष ने चर्चा के दौरान बिल प्रवर समिति को भेजने की सिफारिश की थी, उसका ये प्रस्ताव भी ध्वनिमत से खारिज हो गया। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बिल से समाज का भेदभाव, कुरीतियां खत्म होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस कानून में संशोधन की भी गुंजाइश होगी। पास होने के बाद अब बिल राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। सभी विधिक प्रक्रियाएं और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा। कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। यह इसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे थे, लेकिन सारी बातें आज और कल जो 2 दिन विधानसभा के अंदर चर्चा हुई है, उस चर्चा में बहुत चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि ये कानून हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं, ये कानून किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये उन माताओं, बहनों, बेटियों के लिए जिनके जीवन में कई बार कुरूतियों के कारण से, कई बार असमानताओं के कारण से उनको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था, अनेक बार उनको यातनाओं का सामना करना पड़ता था, उन कुरूतियों के कारण से उनका आत्मबल कमजोर होता था, उनके आत्मबल को मजबूत करने का काम, उनको उत्थान की ओर ले जाने का काम, उनकी सर्वांगीण उन्नति के लिए ये कानून हमने बनाया है। ये सब बच्चों के भी हित में है, मातृशक्ति के भी हित में। इस कानून में जहां विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप जैसे जो अनेक महत्वपूर्ण विषय हैं, उन सभी विषयों को इस कानून में शामिल किया गया है। वहीं बिल के पास होते ही मुख्यमंत्री का मुंह मीठा करवाया गया। इसके अलावा वहां पर जय श्री राम के नारे भी लगते हुए नजर आए। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिखे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिल पास होने के बाद कैसे खुशी मनाई, सुनिए। क्या कैसा इस समय अनुभूति हो रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसा यहाँ समाज के उपस्थित लोगों को देखकर लग रहा है, तो ऐसा लग रहा है देखने में कि कहीं ना कहीं ये लोग, ये जो हमारे भारतीयों की, हमारे देशवासियों की एक लंबी मांग थी, इसको आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये एक इतना बड़ा निर्णय इस पूरे देश के लिए किया है, जिसने उत्तराखंड की पताका को पूरे देश में फहरा दिया। बता दें कि विधानसभा से यूसीसी बिल पास होने के बाद अब राजभवन को भेजा जाएगा, क्योंकि ये संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए बिल अनुमोदन के लिए राज्यपाल से राष्ट्रपति को भेज दिया जाएगा। इस पर राष्ट्रपति भवन को फैसला लेना है। वहां से मुहर लगने के बाद राज्य में कानून लागू हो जाएगा। समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पारित कराकर उत्तराखंड की धामी सरकार ने बीजेपी शासित राज्यों के सामने लंबी लकीर खींच दी है। माना यह जा रहा है कि अब उत्तराखंड की इस लकीर पर बीजेपी शासित राज्यों के चलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड के बाद असम की बीजेपी सरकार यूसीसी बिल विधानसभा में सबसे पहले पेश कर सकती है। वहीं राजस्थान सरकार भी यूसीसी लाने का ऐलान कर चुकी है। टाइम्स नाउ नव भारत, डिजिटल की रिपोर्ट।